इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज एविडेंस दैट ऑप्शन ए लाइट इज वेव फिनोमेना, लाइट इज ट्रांसफर वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन करेक्टर. तो मेन है लाइट इज अ वेव फिनोमेना, इंटरफेरेंस से पता चलता है. ठीक है, फिर है इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व इन वेव शेप्ड एंड बैंड विथ इज नोटेड. नाउ द एंगल ऑफ वेव इज रिड्यूस्ड टू जीरो, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बैंडविड्थ. याद रखो, अगर बिल्कुल रिड्यूस जीरो कर देंगे ना तो बैंडविड्थ डिसअपीयर हो जाएगी. ठीक है, रहेगी नहीं. लेकिन सेम एमसीक्यूज है कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन वेव शेप एंड बैंडविड्थ इज नोटेड. नाउ द एंगल ऑफ वेव इज रिड्यूस. अगर खाली रिड्यूस करेंगे जीरो तक नहीं तो क्या होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज होगी. लेकिन अगर इतना रिड्यूस कर दें जीरो तक तो डिसअपीयर हो जाएगी. अब एक और बिल्कुल उल्टी एमसीक्यू, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन वेव शेप्ड एंड बैंडविड्थ इज नोटेड. नाउ द थिन फिल्म इज रिप्लेस्ड बाय द फिल्म ऑफ हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बैंडविड्थ. अब अगर हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगी तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगी. याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है.